गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो बस मस्त मजा के एक नई सुबह हो गई है। बस आज सुबह का काम भी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। वैसे बजने वाले हैं 10:30। तो बस अभी सब कुछ काम कंप्लीट हो गया है और आज भी हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं। तो आज भी दोपहर के खाने में कुछ खास होगा। तो मेहमान आ रहे हैं फई और फुआ। तो आज का मेन्यू डिसाइड हुआ है सब्जी, रोटी, रस और खमण और दाल चावल तो है ही। फई और फुआ ने बोला है कि वो है ना मैरिज में खा के है ना हमारे जैसे वो कंटाल गए हैं, इसलिए मेन्यू में है ना कोई बहुत कुछ नहीं बनाना है, इतना ही बनाना है। तो बस अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे भाभी आज घर पे नहीं है। भाभी को भी आज लंच के लिए इनविटेशन मिला है उसके पप्पा के घर पे, तो वो वहां पर चले गए हैं और मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी रसोई चालू कर देते हैं। वैसे मम्मी जी अभी सब्जी लेने जाएंगे, उसके बाद सब्जी बनेगी। तब तक मैं दाल चावल और जो सब कुछ है वो तैयार कर लेती हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस। तो दोपहर के बजने वाले है 12 और ऑलमोस्ट रसोई कम्प्लीट हो गई है। अभी सिर्फ बनानी बाकी है रोटी और हमारे घर पे आ गए हैं मेहमान। तो चलिए सबसे मिल लेते हैं। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। केम छो भाई? मम्मी तमे केम छो? અમારે બહુ સારું છે, અમારા મહેમાન છે બધા છે, દેખીએ અમારે માસી ભાભી ઇધર આયે હે। જય શ્રી કૃષ્ણ માસી। જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો તમે? બહુ સારું છે, બહુ સારું છે બધા। જય શ્રી કૃષ્ણ બા। જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો? સારા મારો। મંદિરે જઈને વૈયાવા એમ ને? કેમ બહુ મોડા આવ્યા, ક્યાં ગયા તા પછી? ગામમાં સાપીવા। ગામમાં આ ગમતી બધી સાપીવા જવા માસી બે વાઈને કે મહેમાન આવે છે। હા, તો ઓલમોસ્ટ રસોઈ બન ચુકી હે। વૈસે અમારે ફઈ આ ગયે હે નેસડી છે। તો ફઈ નેસડી મે ક્યાં ચાલ રહા હૈ અભી? અભી નેસડી થયા, નેસડી માં બધા મજા કરે। એવું છે? તો હમણાં રોકાવ ને સુરત માં? મને ભાઈ ખેતી માં કઈ ખબર નથી પડતી, તો હું તમને શું કહું? કયો તમે ભાઈ હોય તો ખબર પડે ને, ચણા ખાવા ને ન્યાઠેઠ ધક્કો તો બાપા કવડો મોટો થાય। ના બે, અહીંયા બધું મળે છે ભાઈ, સુરત માં માર્કેટ માં બધું મળે। હા, ઈ ફેર પડે, હા અહીનું ન્યાનું ફેર તો પડે ને। તો દેખ લીજે ગાઈઝ, ઇસમે સલાડ કટ ગયા હૈ બઢિયા માત્રા મેં, યે ખમણ કા તડકા ભી લગા દિયા હૈ મેને, ઓર યે દેખે ઇધર દાલ ભી ઉબલ રહી હૈ ઓર ઇધર સબ્જી ઉબલ રહી હૈ। तो बस अभी बनानी है रोटी। वैसे मैंने रस भी कंप्लीट कर लिया है, आम का रस है आज भी। और ये देखे दाल भी हो गई है, इसमें सिर्फ धनिया डालना बाकी है और इसमें भी धनिया डालना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। दोपहर के बज गए 4:30, आप देख ही रहे होंगे। और ये पीछे देखिए पप्पा जी है, लेकिन वीडियो में देखेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं, मोबाइल में बिजी इतने रहते हैं। कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब शर्म नहीं लगती है ना? बोला हूँ करो तो देखिए इधर सब चाय पार्टी हो गई है और इधर सब बैठ गए। और मासा देखिए चाय के बाद मावा उसका चल रहा है। कैसे हो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मावा खाए बिना चलता नहीं है ना आपको? नहीं उगड़ती है। बे मोटे खाए, देखो बे मोटे।
वो बात भी सही है, वो भैंस उगाड़ती है वैसे। अरे देखे मेरी मम्मी और मासी इधर मौज कर रहे हैं, कैसे हो आप दोनों? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बढ़िया बढ़िया। हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये बोलता है भैंसासुर है, भैंसासुर नहीं तो बढ़िया बढ़िया कितना ने सेना बावल ना बढ़िया क्या बूंदी ना बढ़िया बोलो बोलो बढ़िया ले लगे सर बिल्कुल। ये दोनों ने तो खेती की नहीं है इसलिए ये दोनों को तो पता नहीं होगा बढ़िया किसका आता है, आप बता दो। बढ़िया किसका भी झाड़ का बना सकता है लेकिन बावलिया का बढ़िया आता है, बावलिया का बोल जाता है सब को बैठता है ना इसमें, इसीलिए वो कांटा वाला आता है ना अच्छा लगता है। हाँ, तो कांटा वाला सोया वगैरह ना हो ना कांटा होटे जरूर से तमी रोला जेई बात करी वो भाई सब सब वागे माओ कोई दिनो मागे सुराना बराबर। ये मानस है ना कभी भी स्माइल नहीं आती है इसके फेस पे, देख लो आप। हाँ मुझे देख के सिर्फ स्माइल आ जाती है वरना कभी हंसते नहीं है। अब आज हंस रहे हैं, इसकी है ना फोटो फ्रेम बना लेनी है। आज कितने दिन बाद हंसे हो आप पता है आपको? मैं मुझे याद नहीं है मैं कितने दिन बाद आई। मुझे बुलाना तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। 15-20 दिन हुआ ज्यादा नहीं, 15-20 दिन तो ज्यादा। अरे व्लॉग का तारीख बताता है व्लॉग में, ये तो बारह व्लॉग में तो यही मने ना कि भजन मगाई हूँ तू ने कि मैं मोक लगन की तैयारी हाँ तो बता भेगा जा देखो। हाँ धंधो तो बधो हुआ है पर करव पड़े। 6 महीना की भत्री जना लगन से અને આ મોટા હાડાન બાળાન ફૂમકાન ભૂમકાન કેટલા ડાંગે અમાર ભત્રીજાના લગ્ન અમારે કઈ એવું નો બે પણ થોડી શિવડે જેન્ટ્સ ને બધા એમ જ હોય પણ જેન્ટ્સ ને શું બાયુ ને કઈ નવીન હોય? બાયુ નવીન બાયુ બાયુ ને આજની કઈ ફેર જ નહીં હું ખબર। तो ये देखिए इधर पूरा थप्पा मार दिया है दोनों बहनों ने। अभी तो इतना इनसे ज्यादा तो कबाट में पड़ा है। वाई वाई। या ये देखिए इधर ये है ना आज दोनों बहनों ने रेसा भी बनाया है और हम लोग ये पाटली वाल रहे हैं साड़ी की शादी में पहनने के लिए। वैसे चारों बहनों ने मिलके है ना सेम साड़ी ली है ना? कहाँ से लाए हो आप चारों साथ मिलकर? मार्केट में से लाए। देखो कैसी है? बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, सबका सेम कलर है। नहीं नहीं ये किसकी है? ये तेरी मम्मा की। ओके मैंने तो नहीं देखी है, मैं सिर्फ आज देख रही हूँ पहली बार। कितनी मैंने तो गमे ना, कितनी साड़ियाँ ली है तूने? दो। हाँ वैसे तू बोल रही थी कि मेरे पास सब कुछ है कुछ नहीं लेना पड़ेगा इसलिए बोल रही हूँ। मेरे को एक भी नहीं लेनी थी तो फिर क्यों ले ली? जबरदस्ती की ले गई है। हिंदी हिंदी बाकी जोरदार है आपका। मैंने 3 ली और 3 पड़ी की। देखा मासा आपने, एक कबाट भरा है फिर भी 3 साड़ी नहीं ली है। अब मासा है ना बोल नहीं सकेंगे, मुंह में मावा है ना। अबे नंग 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 दीपो हमरा आ एना भत्रीजाना लग्न छे ने दिवाळी વાત ની તૈયારી હાલે છે બરાબર। હવે તો આ ઘર ગાંડુ કર્યું છે, આ ખૂણે ખૂણે હાડી હોય ડ્રેસ હોય ફલાણો હોય ને આ હોય, ડ્રેસ નો પહેરવાના હોય લગ્ન તો સારી જ હોય, ડ્રેસ લો છો ને તો પહેરવા લેવા જ પડે ને। માસા ધરાઈ રહ્યા છે એવું લાગે છે, ધરાઈ જ રહેના બાપા। થેન્ક યુ, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो गाइस अभी बजे है 5:30 और देख लीजिए मासी तैयार हो गए हैं बाहर जाने के लिए मार्केट में। वैसे आज प्रोग्राम हुआ है तुवे टोटा और ब्रेड,
માસી ક્યાં ક્યાં લાવવાના હે આપકો? કાંદા અને બ્રેડ લેવા જાઉં છું, તાર માસા પાસે લસણ અને ધાણા મંગાઈ લીધા, મરચા. ઓકે, દેખે ઇધર આધા કામ જેન્ટ્સ કર રહે, આધા લેડીઝ કર રહી હે. બહોત અચ્છા લગા, મજા આયા. तो बस वो उन्हीं के साथ जा रहे हैं गाड़ी में, इसलिए जल्दी आ जाएंगे. और आज है ना यहाँ पर कुछ आइटम बनाने का सोचा था, लेकिन आज है ना संजू को भी यहाँ पर बोला है खाने के लिए, तो उसको कॉल किया ना तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि आलू वाली कोई भी चीज़ मुझे नहीं खानी है और तली हुई भी कोई चीज़ नहीं खानी है. इसलिए ये नक्की किया है हमने तुवे टोठा और ब्रेड, वरना यहाँ पर है ना कुछ बनाना था. हर्ष ने भी बोल दिया कि ये क्या बना रहे हो आप, कुछ अच्छा बनाओ, लेकिन हमारे लिए है ना साग रोटला होता है ना वही अच्छा होता है, क्योंकि हर रोज मेहमान होते हैं ना तो हम लोग वैसा ही खाते हैं ना, तो वो खा खा के हम कंटाल गए हैं. इसलिए साग रोटला होता है ना तभी ऐसा लगता है कि आज तो आइटम है, ऐसा है भाई. तो बस ऐसे सब कुछ चल रहा है, अभी तो मैं और मम्मी सिर्फ घर में बचे है. तो यार देखिए कितना सब कुछ माल सामान आ गया है, धनिया आ गया है, लहसुन आ गया है, और ये लीला कांदा भी आ गया है. और देखिए सब कुछ कटिंग हो रहा है. वैसे हमारे घर में है ना जेंट्स का बहुत सपोर्ट है. ये देखिए ये मेरी छोटी बहन है ना, ये भी काम कर रही है. कैसा लगा मेरा मजाक? और ये हमारे मासा भी देखिए लहसुन साफ करने के लिए बैठ गए हैं. क्या बोल रही है? छोटी बहन वालों काफी नाचे ना कर वारो पड़ दे. ये देखो कल मेरा वारा पड़ने वाला है, आप लोग देख लेना. घर पे आऊंगा वारा पड़ने के लिए. ओ, वारा नहीं पाड़ने देंगे, उसको सास ससुर बीच में आ जाएगी. तेरा वारा पाड़ देंगे. सास ससुर के पहले मेरा हस्बैंड है ना. ओ जोनी दीकू, तारी माही थे ना, मैंने आऊ बड़ूच काम कराई हुआ करे, बोल. ये तो कराऊ पड़े ने, हूँ कराऊ पड़े. हाँ, तू एकली का टाओ छोकरो हो जे. दीकू मने पाड़ी छे तो मने केटलू वागेलू छे, तो नहीं कराऊ पड़े. तो ना हूँ वागेलू छे. ये तो तू रही गई, बाकी तो आज का हो भांगी जते. मेरा भगवान सदा मेरे साथ ही है. सबका भगवान ही होता है, तेरा एक का थोड़ा भगवान है. सबका तो टांगे टूट जाती, मेरी नहीं टूटी. तोड़ दू मैं कल. मैं तुम्हारे साथ आने वाली ही नहीं हूँ. तो ये देखे ये है ना वो कांदा काट के है ना, मेरी आंख में बहुत पानी आ रहा है. वैसे ये बोलते हैं कि जिसके सासू में उसको बहुत प्रेम करती है ना, उसको उसको ऐसे पानी आता है. तो मेरी सासू में भी मुझे बहुत प्रेम करती है. ऐसी ही है, तेरे को बहुत चाहती है. हाँ, मेरे मुझे बहुत प्रेम करती है, ऐसे ही बोल रही हूँ ना. अच्छा है ना, बहुत अच्छा. अभी ऐसा ऐसी सास ढूंढने जाओ ना, सो में एक भी नहीं मिलती. अभी मुझे लगता है मासा है ना मेरी सासू माँ को है ना चने के झाड़वे पे चढ़ा. चने के झाड़ तो होते ही नहीं, वो तो छोड़वा होता है. तो देखिए इधर सब कुछ रेडी हो चुका है. इसमें है मिर्ची, लहसुन और अदरक, इसमें है हरा लहसुन, इसमें है हरा धनिया और इसमें है हरा अनियन. तो देखिए सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब तड़का लगाना है. और इधर ये मेरी मम्मी आटा गूंदने जा रही है भाखरी का, क्योंकि मेरे जैसे तो कोई होंगे ही जो ब्रेड नहीं खाएंगे. और इसमें वो क्या बोलते हैं, तुअर की दाल पक रही है. तो इधर देखिए बढ़िया मात्रा में भाखरी बेली जा रही है. और इधर ये देखिए मासी है ना खड़े होकर ये क्या भाखरी पका रहे हैं. और ये देख रहे मैं, और ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया है, मिर्ची अदरक लहसुन और हरा कांदा, बस इतना सब कुछ इसमें डाल दिया है. अभी बाकी है लहसुन, हरा धनिया और तुअर, बस बाकी सब कुछ रेडी है इसमें. तो देखिए इधर ये उबल रहा है और स्मेल तो ऐसी आ रही है ना भाई भाई, आ हा हा हा, बहुत मस्त स्मेल आ रही है. और ऐसा लग रहा है कि अभी ही खाने के लिए बैठ जाए, वैसे भूख भी बहुत लगी है, लेकिन अभी ये हो जाए उसके बाद खाने बैठे ना. इधर देखिए डोटा एक है ना था. इसको है ना ये ढाबे पे है ना वो टेरेस पर कपड़ा लेने के लिए भेजा था. ये देखिए नाइटी पहन के आया है, देख लीजिए. देखिए देखिए हमारे गांडा भाई, देखिए टेरेस पे से नाइटी पहन के आया है भाई.
है और डांस भी कर रहा है, देख लीजिए। अभी भी नहीं निकाल रहा है देखो। तो देखिए इधर भाई, हरी चटनी बन रही है बढ़िया मात्रा में। इसमें बहुत मिर्ची डाली है ये हर्ष ने, बहुत तीखी है, स्मेल भी बहुत तीखी आ रही है। इधर ये दूध गर्म हो गया है, भाखरी भी बन गई है। इधर ये देखिए सलाद रेडी है, कांदा टमाटर, इसमें है छाछ, और इसमें देखो तुवे टोटा भी रेडी है भाई, देख लीजिए।